इसमें लाज हमारी जाती है, लाज ही नजरात साना है सियालकोट, जो 15 अगस्त को हुआ और जिसमें आपस मगीस और मलीब दोनों सखे भाई पुलिस की मौजूदगी में देहात वालों ने मार दिए, मैं उनका दादा आपसे मुखातब हूँ। मैं नहीं समझ सका कि बगैर किसी माकूल वजह के केस को निगरान किया जा रहा है। सिर्फ 4-5 शहादतें हुई हैं और हमें हर मौका पर तारीख दे दी जाती है, हत्ता कि हम कोर्ट में दाखिल भी नहीं होने पाते कि हमें तारीख दे दी जाती है। शायद इससे किसी का मकसद ये हो कि इस तरह मामले को लिंगर ऑन करके ठंडा करके दबा दिया जाएगा, तो ये गलतफहमी है। लिंगर ऑन करने से हमें ये नुकसान पहुंच रहा है कि हमारे गांव को मतवातर धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि उन पर अटैक भी हो चुके हैं। खुद मेरे बेटों को धमकियां दी जा रही हैं, मेरे मिलने वालों को अप्रोच किया जा रहा है कि ये मामला वापस ले लें। हर तरह से डराया धमकाया जा रहा है। हमें केस की समाज से रोका जा रहा है और जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो कार्रवाई का वादा तो करते हैं मगर कार्रवाई होती नहीं। इन हालात में मैं अपने नाज़रीन से ये इल्तमास है मेरी कि आगे पहले भी आपकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी मज़ीद आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि आप देखें कि मैंने तो दो बेटों की कुर्बानी दे दी कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों, लेकिन मुझे वो कुर्बानी रायगां जाती नजर आ रही है। जब हम घर वालों को धमकियां दी जाती हैं, हम पर अटैक होते हैं, तो हमारे गांव का क्या हाल होगा। इस सिलसिले में हमने मकामी पुलिस के ऑफिसर से बात भी की, उन्होंने FIR भी दर्ज की, मगर FIR दर्ज करने के बावजूद जो नॉमिनेट हुआ जिसने हमें धमकियां दी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे वो और दलेर होगा, दूसरे दलेर होंगे। हमने इस सिलसिला में चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में भी दरख्वास्त की है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हम किसी पर ज्यादती नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं, हम किसी पर ज़ुल्म नहीं करना चाहते, लेकिन जो ज़ुल्म मेरे बच्चों पर हुआ है उसका भी तो मुदावा होना चाहिए। हम सड़कों पे नहीं आना चाहते, लाल एसनेस नहीं करना चाहते। एक ही रास्ता है हमारे लिए जो हमने इख्तियार किया है कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं
और अदालत में हमें तारीफें दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक जिहाद में कर रहा हूँ ताकि जो कुछ मेरे बेटों के साथ हुआ है उस तरह किसी और माँ के बेटों के साथ, किसी वालदैन के बेटों के साथ ना हो, और इस तरह वो बच्चे ज़मीन का रिज़्क ना बने। और अगर ये सिलसिला जारी रहा और वो जो पकड़े गए हैं जेल से वापस आ गए तो क्या ये जुल्म ना होगा? क्या वो हमें माफ़ कर देंगे? मैं तो 18 करोड़ की आबादी जो है उनके लिए मैं जिहाद कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ, अपनी जान को खतरे में डाला हुआ है। एक कातिल हो तो उससे मकतूल जो है वो डरते हैं, और यहाँ तो 28 कातिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अदरात मेरे लिए दुआएं करेंगे, और मैं इंतजामिया से भी उम्मीद रखता हूँ कि वो हमें बेजारों मददगार नहीं छोड़ेंगे। आपका शुक्रिया।